नमस्कार, मैं सोनिया चौहान पब्लिक वॉइस से आज चिरी गाला मसाला में खड़ी हूँ। जी हाँ, बता दूँ, चिरी गाला मसाला ये वही जगह है जहाँ कुछ दिन पहले हमारे जो मंत्री थे वो यहाँ पर आए थे। रोड निर्माण कार्य पूरा होने के बाद वो यहाँ पर मुहूर्त करने आए थे और उन्होंने ये कहा था कि सरपंच साहिबा को यहाँ की क्लेनलीनेस पे ध्यान देना चाहिए। और बता दूँ, आज तकरीबन एक महीना हो गया है और ये वही कॉमन प्लॉट है जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लाखों रुपए की लागत के बाद यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट बना गया था जो यहाँ की पब्लिक के लिए यूज़ में दिया गया था। लाखों रुपए लगाकर जो स्वच्छ भारत अभियान का तहत ये टॉयलेट यहाँ पर बना है, लेकिन इस टॉयलेट की आप हालत देखेंगे मेरे पीछे तो आप सोचेंगे कि इसमें हम कैसे जाएँ। टॉयलेट के अलावा आप, मैं बता दूं, ये जो ग्राउंड यहाँ पर है, मैं मेरे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो काइंडली कैमरा को घुमाकर फोकस करके आपको दिखाएं कि वो किस तरह से यहाँ पर कचरा जमा है और लगातार हमारे स्वच्छ भारत का अभियान की किस तरह धज्जियाँ उड़ रही है। वहीं ग्राम पंचायत में जहाँ हाइएस्ट फंड जमा होता है, जहाँ काफ़ी सारा फंड रिलीज होता है कि ताकि हम हमारे छोटे छोटे गाँव को पहले सुंदर बनाएँ, फिर हम हमारी सिटी, हमारी कंट्री की तरफ बढ़े, ये वही गांव है जहां आप गंदगी देख सकते हैं, जहां कोविड की 94th लहर की आने की संभावना कहीं पर दस्तक दे भी चुकी है और वहीं पर ये गंदगी आज भी, और कई बार पहले भी हम इसका मुद्दा लेकर अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुँचाते आ रहे हैं और लगातार यही बताते आ रहे हैं कि चिरी ग्राम पंचायत फिर विवादों में क्यों हमेशा से रहता है, क्यों यहाँ पर सफाई नहीं होती है, क्यों यहाँ पर लगातार लोग जो हैं उसे इस गंदगी में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है, इस खुले में शौच ना करें, लाखों करोड़ों रुपए की लागत से वहाँ पर टॉयलेट्स बने हैं लेकिन वो टॉयलेट आज भी एक्टिव नहीं है और आज भी वो टॉयलेट्स वर्किंग कंडीशन में नहीं है। जब इतनी लागत से इतना फंड हमारा, टैक्सेस का हमारा फंड यूज़ हुआ है, तो वो क्यों एक्टिव नहीं है जनता के लिए, क्यों वो सुविधाएं जनता को प्रोवाइड नहीं करी गई? होता है कि जब तक आम जनता किसी काम में सपोर्ट नहीं करती है तब तक हम लोग उसके अंदर जीत नहीं पाते हैं, हम सब सक्सेस नहीं हो पाते हैं। अभी हमारा जितने भी शौचालय हैं उसके अंदर हम लोग चालू करने के बाद भी उसके अंदर पत्थर डाल देते हैं, कचरा डाल देते हैं। हमारा कोई बंदा उसके उधर सफाई के लिए जाता है तो यहाँ तक वो लोग पत्थर मारते हैं, उसको सही तरीके से काम नहीं करने देते हैं।